तो वह थारा मूड खराब कर दिया। दसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ओए होए होए होए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज के व्लॉग में पता क्या होने वाला है। लाइक जब भी हम स्कूलिंग टाइम होता था या कॉलेज टाइम जब भी जाते थे ना, अब तो घर खैर रहते ही पूरा दिन ही घर ही है, मतलब पूरा वीक ही। तो संडे वाले दिन ऐसा होता था कि माँ उन्हें पकड़ लेना, सुबह सुबह उठा देना बच्चों को, पड़ गए सर पे से ही ये पता नहीं क्या एलोवेरा दही जो कुछ भी मिक्स करके सर पे लगा देना, रूटीन होती। तो आज भी संडे, तो आज फिर हम लोग ये लगा रहे हैं। मेरी मम्मी बनानी काफ़ी अर्से हो गया, अब गर्मियाँ भी आ गई तो लगाना चाहिए, तो हम वो लगाते हैं पहले आज, उसके बाद शावर लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आज क्या करना है। आज भी मेरे ख्याल से घर ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी तक सना की तबीयत नहीं ठीक हुई, उसको फीवर हो गया है, उसके गले में दर्द है, तो आज भी घर ही रहेंगे हम। अब हमारी गाड़ी वैसे की वैसे खड़ी है, टोल का भी प्लान बनाया था, वो मुझे लगता है अब ईद आ जाएगी यार। हाँ, बकर मंडी, अम्मी बकर मंडी कब जाना है? बकरा लेने होगा। बकरा लेना होगा। एलोवेरा तो हटाओ। वो एलोवेरा हटाओ, मम्मी ने फेस पे लगाया। फेस मैंने लगाया, मुंह पे लगाया एलोवेरा। अच्छा, हटो तारा, इधर हटाओ। ये मिक्सचर बनाया गाइस मेरी मम्मा ने, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला, मुझे नहीं पता, टाइमिंग खुद ही। क्या क्या डाला? लीमू और हल्दी और दही। अच्छा, तेल। अच्छा, ये मिक्स करके अब सर पे लग जाएगा। ठीक है, एलोवेरा भी पाया। अच्छा, तो वैसे इससे जो है ना आपकी खुश्की और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे, तो हम ये लगाते हैं। और बकर मंडी यार, हम लोग बकर मंडी कह रही हूँ, अच्छा जो भी होता है, हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा जो है ना गांव से ही, मतलब अपने जानने वालों से ही ले लेते होते हैं, हम खुद ही जाके। काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग अब नहीं जाते, पहले जाया करते थे, अब नहीं जाते मंडी। तो बस जब वो हमारा जानवर आ जाएगा तो फिर हम लोग कर लेंगे, बकर मंडी का मुझे नहीं लगता मैं जाऊँगी। ओके, बस मेरे गर्मा काट ली मेरी मम्मा, कहती तब तक मुतारा के लग रहा है तो तुम जो है ना गर्मा खा लो। सो गाइज, मैंने जो है ना ये लगा लिया है, अब मतलब एक घंटा ये आधा घंटा लगा रह दूँगी, उसके बाद शावर लूँगी। ओके यार, मेरे लिए थोड़ा सा बच गया, मेरी मम्मी कह रही है अगले हफ्ते ज़्यादा बनाएंगी दही, लेकिन ना मुतारा भी आ गई, मुतारा की भी लग गया, बुढ़ी अम्मा बन के आ रही है। काके ये क्या कैमरा दो, कैमरा दो मुझे, क्या अजीब सा डाकू बन गया, इतनी गर्मी में इतना मोटा फैन लिया, पागल हो गया वो बेचारी, तो बोल भी नहीं सकती क्या मांग रहा है। डाकू डाकू क्या मांग रहा है, मोबाइल दो सना, हाउ योर फीलिंग सना, गुंगी बहरी हो गई सना, नहीं बोल सकती गाइस, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, जो कुछ निकाल दो, मोबाइल दे दो, मैं गोली मार दूंगा, मोबाइल जा परे वाजी। गाइस, पराठा और आलू बताऊं आज बने हैं, हम करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, मजेदार नजर आए। और ये पंखे की ना टाय टाय टाय, ये पता नहीं कब बंद होगी। सारा नेल का सामान खुला हुआ था, किस लिए? ओए होए 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 होए, मुदस्सी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ओए होए 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 होए, हां क्या हो रहा है ये देखता, अब ये है ना, ठीक है, ये देखना इसके अंदर से कितना गंद निकल रहा है, कराना जरूर है, चीखा ही मानिया, अच्छा, कोई दर्द नहीं होता, ये देखो वो निकल रहा है, गंदा बचाना खेल खेलता रहता है, नहाता नहीं है सही से, ना साफ करता है ना, तभी अब ये आ रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, खेल रहा था इसलिए वो सारा गंद वगैरह चला गया। अच्छा, आके धोते नाखून नहीं धोते ना, से इतना से उंगली से मसल मसल गए, और गाइस यार मैंने नहाने का जा ही दी थी, मैं सोच रही थी जाऊँ यार और लाइट चली गई, मैंने कहा अब टैंकी में पानी भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह की सिलाई भी थी और अब मुतारा साहब भी नहा रहे तो पानी खत्म होगा ऑलमोस्ट, तो मेरा ऐसे बीच में घुसने का, फिर वो बाद में होता है, हम लोग फिर आधा घंटा वेट करते रहते हैं लाइट आएगी फिर यार, तो मैंने कहा लाइट आएगी तो अब फिर शावर लेंगे। उफ, पाकिस्तान में लाइट ले जाते हैं, और अम्मी देखते हैं पता नहीं क्या कर रही हैं, अपने थोम थूम लगी रहती हैं, ये देख लो जी अम्मी ने कहा लाइट चली गई है और काम नहीं है, तो मैं क्या चलो थोम ही छेल लवा। Three hours later. So guys, मैंने तो नहा नहू लिया और यार मेरे बाल तो ऐसे, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा सिल्की और मैं मतलब मलाई, मतलब ऐसे हाथ फिसल रहा है यार, ऐसे हो गया बहुत ही मज़े के। और ना मैं सोच रही हूँ यार, काफ़ी अर्सा हो गया गोलगप्पे नहीं खाए, तो गोलगप्पे खाने चलते हैं, लेकिन गोलगप्पे खाने जाने से पहले एक बहुत बड़ा टास्क, पता क्या टास्क है, मतलब इस आवाम को उठाना और इनको रेडी करना, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लाइक मतलब आधा घंटा ना निकलने में ही लग जाता है यार, जब कहीं जाना एक घंटा तो पहले ही, मतलब क्या कहोगे भी, फिर भी एक घंटा लगाएंगे ये लोग, पता नहीं कभी क्या, मेरी मम्मा को भी कौन सा काम याद आ जाएगा, मतलब जब बाहर जाना तभी उनको काम याद आते, वैसे नहीं याद आते, वैसे बैठे रहेंगी ऐसी करती हैं, दो घंटे लगेंगे। क्यों? मैं चावल बना रही हूं। तो तुम चावल बनाती रहो, हमें क्या इससे है ना भाई, हम खा के आ जाते हैं खुद ही, चली जाऊंगी तो और क्या, तुम क्या मेरे साथ ही चिपकी रहती हो, मम्मी के बगैर चली जाओगी, अम्मी ने पीछे गर्मी लगी पई, अम्मी ने तो बनाने, मेरा तो बस नाम है, मैंने काटी है।
देखा गाइस, अभी इसने कह दिया ये चावल बना लिए, दो घंटे उसमें लग जाएंगे। मतलब मुझे लगता है मेरा प्लान ही फ्लॉप, मतलब मैं अकेली जा नहीं सकती क्योंकि सना अभी तक सो रही है। ऐसे ही होता है यार मेरे साथ हमेशा, मतलब लाइक एक इतनी बड़ी इन्होंने गाड़ी ले ली है, मुझे मतलब थोड़ा अजीब और डर लगता रहता है, अकेली जा नहीं सकती मैं। और वैसे भी मैं कभी नहीं गई अकेली, ये बात भी है। ये क्या किया है? बस हो गया आलू वैसे, ये क्या बना दिए, सारा कुछ खिलारा डाल दिए तुमने। फोन हो गया जो हो गया, की हो गया है फोन जो होना सी हो गया, सारा थल्ले खिलाता हुआ। अच्छा ये चावल भिगोए हुए हैं, आलू वाले चावल बन रहे हैं आज। ये क्या डाल जा रही हो? हरी चटनी। हरी चटनी वो है जो हम चिप्स खाते हैं ना वहाँ से लेके आते हैं ना, मतलब हम लोग ज़्यादा मैं कैसे खा लेती, ये दोनों छोटे खाते हैं हरी वाली, तो बाकी हमारी जो थी वो बच जाती है, फिर हम रख लेते हैं, मेरी अम्मा उसको सालन में डाल लेती है यार। उससे बस मज़े मज़ेदार बन जाता, मज़ेदार। तो मुझे नहीं लगता आज गोलगप्पे खाने जा पाएंगे, है ना अम्मी कि नहीं? ले जाओगे? मेरी माँ कह रही पैसे तू लगा, चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। करे मेरी माँ को कह रही पैसे तू लगा यार, चले तो जाए वहाँ पे ना, मतलब पार्किंग नहीं होती है, पार्किंग दूर करनी पड़ी, पैदल चल के गोलगप्पे खाने पड़ते हैं। फिर एक तरह से सोच रही जाऊँगी यार, मैं अभी तक इस गाड़ी को लेकर मैं मार्केट में घूमी तो हूँ नहीं, लेकिन यार घूमना तो है ना। क्या हो गया यार, गाड़ी है सना की, ये क्या हो गया? सना कुछ नहीं कहती हुई थी। बहुत तेज हो रहा है। बस एहतियात करके चलाऊंगी यार, जाते हैं अभी इसको उठाती हूँ। सुबह जिस कार वाले चावल रेडी हो गए। हाँ फिर कैसे हैं? अच्छे अब इसको लेके जाने की जरूरत है गोलगप्पे खिलाने की। गाइस आप लोग बताओ बनता है इसको गोलगप्पे खिलाना? इसे यहीं पे सारा कुछ तो खा लिया है। क्या मुँह से बोल यार? गाइस मैं अम्मी को कह थी अब जाना, कहती तू भी चावल खा ले सना की तबीयत भी नहीं ठीक है, फिर कल चलेंगे, तो प्लान कैंसिल हो गया यार। चलो मैंने कहा मैं भी अब चावल खाती हूँ, देखती हूँ मिर्चें तो नहीं। अम्मी कह रही थी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बने, टेस्ट करके देखती हूँ स्पाइसी बने कि नहीं बने, और सना की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर चलेंगे, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो भी बीमार और बीमारी के हाल में वो जाएगी भी नहीं, मुझे पता है। ओके यार गाइस आलू ही आलू हैं, चावल तो बहुत कम है, चलो ट्राई करते हैं। कंट्रोल थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हैं, नमक कम है, लेकिन मुझे लग टेस्टी रही, लेकिन ना मेरे ख्याल से मिर्चें बहुत गर्म थी और मैंने खा लिया और मसाला मेरे ऐसे लग गया गले पे ना, मिर्चें ज़्यादा डाल दी, तारे बहुत ज़्यादा मसाले डाल दिए हैं। अम्मी ने डाले, अम्मी कह रही थी बहुत, मतलब डाली जाती है, पता नहीं कौन कौन से मसाले डाली जाती है यार। वैसे गुड है, मज़ेदार नज़र आए यार, इतनी मक्खियाँ आई जा रही हैं, बैठनी नहीं दे रही है भाई, मुझे लगता है मुझे इससे रूम में जाके खाना पड़ेगा, मैं वहीं जाके खाती हूँ, और गर्मी बहुत लग रही है यार। चावल खाने के बाद सूसू शुरू हो गई है यार, जुकाम हो गया, मतलब ऐसे हो ही जाता है मिर्ची वाली जब भी मैं चीज़ें ज़्यादा खा लूँ। सना को यार अभी तक ठीक नहीं हुई, कल भी मेडिसिन ली थी, आज फिर बुखार है, तो अब उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा कल, मतलब वो मेडिकल स्टोर से उसे मेडिसिन मंगवा ली थी, और काका बाहर खेल रहा है यार, बस कैंसिल ही कैंसिल। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।